एमपी के इंदौर के टुकोगंज इलाके के स्कूल में शुक्रवार दोपहर 11वीं के स्टूडेंट ने 12वीं के स्टूडेंट को चाकू मार दिया। घायल छात्र की रात में मौत हो गई। चाकूबाजी की सूचना के बाद आरोपी छात्र को पुलिस ने पकड़ लिया। इधर घायल स्टूडेंट को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था। छात्र ने स्कूल में ही सिगरेट पीते हुए आरोपी छात्र का वीडियो बनाकर टीचर को दे दिया था। इसी विवाद में हत्या होना बताया जा रहा है। टीआई कमलेश शर्मा के मुताबिक घटना स्वामी विवेकानंद स्कूल की है। 12वीं में पढ़ने वाले समर्थ पुष्पा निवासी गोमा की फेल 17 को उसके जूनियर साथी ने चाकू मार दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। नड्डा की टीम ने इंदौर से भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर जगह दी गई है। विजयवर्गीय को लगातार चौथी बार राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। टीम नड्डा में जगह बनाने वालों में मध्य प्रदेश से दूसरा नाम सौदान सिंह का है। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ देने का ऐलान किया है। इसके लिए डीजीपी को आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात सीएम हाउस में आयोजित पुलिस परिवार समागम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मॉनसूनी एक्टिविटी होने से अगले दो दिन तेज बारिश होगी। रीवा, शहडोल और सागर संभाग के 15 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का अलर्ट है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र है। अगले दो तीन दिन तक बारिश होगी, इसके बाद बारिश की एक्टिविटी कम होगी।